Hi everybody, welcome to Ortho Implants for Life. आज का डिस्कशन का टॉपिक है डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर्स। अब हम डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर्स का फोटो देखते हैं। रिस्ट के ऊपर गिरने से डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर हो सकता है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ऑपरेशन के बाद रिस्ट का मूवमेंट क्या ठीक हो जाएगा? मैंने बहुत साल ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम किया है, मुझे जो जानकारी मिला है उससे मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन का जो एडवाइस रहता है, इंस्ट्रक्शंस रहता है, वो अगर फॉलो करते हैं, जो एक्सरसाइज उन्होंने सजेस्ट किया है, जो फिजियोथेरेपी उन्होंने सजेस्ट किया है, और जो भी उन्होंने सजेस्ट किया है, अगर कोई पेशेंट उसको 100% फॉलो करता है, डेफिनेटली उनका मोबिलिटी पहले जैसा हो सकता है। अभी हम डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप हैं संजीव कुमार सिंह। संजीव, अभी आप डिस्टल रेडियस का प्लेट्स, स्क्रूज और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप डेमोंस्ट्रेट कीजिए। पहले प्लेट के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्टल रेडियस वोलर लॉकिंग प्लेट, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों में आते हैं। टू होल, थ्री होल, फोर होल, फाइव होल, सिक्स होल। नेक्स्ट, स्मॉल टी लॉकिंग प्लेट, तीन होल, चार होल, पांच होल, छह होल, सात होल, आठ होल। ये 3.5 प्लेट है, इसमें 3.5 का स्क्रू लगाया जाएगा। और जो वोलर प्लेट है उसमें हेड में 2.7 लॉकिंग स्क्रू जाएगा और शाफ्ट में 3.5 कॉर्टिकल या लॉकिंग स्क्रू लगाया जाएगा। स्मॉल टी नॉन लॉकिंग प्लेट, तीन होल, चार होल, पांच होल, छह होल। ऑब्लिक टी लॉकिंग प्लेट, लेफ्ट एंड राइट, ये भी 3.5 सिस्टम है, इसमें 3.5 का स्क्रू जाएगा, 3.5 कॉर्टिकल स्क्रू और 3.5 लॉकिंग स्क्रू। डिस्टल रेडियस बट्रेस लॉकिंग प्लेट, लेफ्ट एंड राइट, थ्री होल। डिस्टल रेडियस ऑब्लिक आर्टिकुलर लॉकिंग प्लेट, लेफ्ट राइट, तीन होल, चार होल, पांच होल। डिस्टल रेडियस एक्स्ट्रा आर्टिकुलर लॉकिंग प्लेट, लेफ्ट राइट, तीन होल, चार होल, पांच होल। डॉर्सल एल एंगल एलसीपी हेड, टू होल, लेफ्ट राइट। डॉर्सल एल एंगल एलसीपी हेड, थ्री होल, लेफ्ट राइट, तीन होल, पांच होल, तीन होल, चार होल, पांच होल। डॉर्सल ऑब्लिक लॉकिंग प्लेट, लेफ्ट राइट, तीन होल, चार होल, पांच होल। डॉर्सल स्ट्रेट लॉकिंग प्लेट, तीन होल, चार होल, पांच होल, छह होल। डॉर्सल टी लॉकिंग प्लेट, तीन होल, चार होल, पांच होल।
चलिए स्क्रू के बारे में डिस्कस करते हैं। 2.7 लॉकिंग स्क्रू 12-28 फोर पीस ईच, 2.7 कॉर्टिकल स्क्रू 12-28 फोर पीस ईच, 3.5 लॉकिंग स्क्रू 12-28 फोर पीस ईच, 3.5 कॉर्टिकल स्क्रू 12-28 फोर पीस ईच, 3.5 mm लॉकिंग कैंसलर स्क्रू 18, 20, 22, 25, 30, 2 piece each. 4 mm full thread canceller screw, 14 mm to 28 mm, 2 piece each. K-well, 6 inch, 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm, 3 piece each, and 2.5 mm, 2 piece each. Now let us discuss basic instruments. Variable angle guide, one piece. Drill sleeve, 2.7 mm for 2 mm drill bit, two piece. Drill sleeve, 3.5 mm for 2.8 mm drill bit, two piece. Drill bit, 2 mm, 6 inch, two piece. 2.5 mm, 6 inch, 2 piece. 2.7 mm, 6 inch, 2 piece. 2.8 mm, 8 inch, 2 piece. Bone tap, 3.5 mm, 1 piece. Screwdriver, hexagonal, 150 mm in length. 2.7 mm, 1 piece. 3.5 mm, 1 piece. And torque limit screwdriver, 150 mm length, 2.7 mm one piece, 3.5 mm one piece. Depth gauge, 3.5 one piece. General instrument, reduction forceps, 2 piece. Self-centering forceps, 2 piece. Homan, 2 piece. Loman, 1 piece. Periostal elevator, 1 piece. Plier, cutter, QR cutter. अगर आपके मन में orthopedics के related कोई query है, आप हमें पूछ सकते हैं comment box में. हम orthopedic surgeon के साथ बात करके आपको जवाब देने का पूरा कोशिश करें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक. थैंक यू.